वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सभी का द खिलौना वाला चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ पायोनियर LH-X50 ड्रोन। इस ड्रोन को मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। अगर आप भी इस ड्रोन को परचेस करना चाहते हो तो इसका परचेस लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, आप इसे वहां से परचेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, ये रहा हमारा पायोनियर LH-X50 ड्रोन। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स, दिखाता हूँ आपको इसके अंदर बॉक्स में क्या क्या है। ये देखिए साथियों, ये इसका एक अलग बॉक्स निकला है इसमें से, जिसमें इसका ये एक पैकेजिंग है। पैकेजिंग के अंदर इसके ये स्टैंड है ड्रोन के, और ये USB केबल चार्जर है। इसको हम रखते हैं थोड़ा इस साइड। और साथियों, ये रहा इसका रिमोट। इसका रिमोट है, ये दोनों हैंडल है जो फुल फंक्शनल है। और इसके गाइस, ये जो छोटे छोटे आप देख सकते हैं कीज़ है, ये बटन जो है ये भी सब काम करते हैं। और ये मल्टीपल फंक्शनल है, इनको भी हम देखेंगे कौन सा बटन क्या काम करता है। और गाइस, ये जो सेंटर पे इसका बटन है, ये पावर बटन है। और यहाँ पे इसका एंटीना लाइट है। और गाइस, इसमें जो है AA की 4 बैटरी लगेगी, उसको भी लगा के आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए अभी रिमोट को भी साइड में रखते हैं। और गाइस, लास्ट में इसका जो है यूज़र मैनुअल है, ये देखिए, ये इसका कुछ यूज़र मैनुअल है जिसमें इसको असेंबल करने के बारे में बताया गया होगा और बटनों के फंक्शन बताए गए हैं, ये देखिए। तो इनको भी हम देखेंगे, आपको हम आउटडोर में दिखा देंगे, बाद में सब बता देंगे। तो इनको भी रखते हैं साइड में। अभी निकालते हैं हम अपने ड्रोन को। तो साथियों, ये देखिए, ये रहा हमारा ड्रोन। UFO कॉप्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर ग्राफिक में। और जल्दी से हम इसको निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये रहा हमारा ड्रोन। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा ड्रोन का हेड अप लाइट है। और यहाँ पे इसकी जो रिचार्जेबल बैटरी लगेगी, ये देखिए गाइस, लगी हुई है बैटरी। पर अभी इसका क्लिप जो है वो खुला हुआ है, उसको भी हम लगाते हैं। अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस, इसके नीचे जो 4 लाइट है, 2 वाइट है, 2 ब्लू है, और ये हेडलाइट है। तो ये 5 लाइट ही ब्लिंक ब्लिंक कर रही है कुछ, जिससे कि अगर हम रात में इसको उड़ाए तो उसका डायरेक्शन का हमें पता रहे कि हमारा ड्रोन उड़ कहाँ रहा है। काफ़ी हल्का है गाइस ड्रोन ये, बाकी देखेंगे इनको उड़ा के। तो गाइस, चलते हैं हम आउटडोर की साइड, करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या है फीचर्स और फंक्शंस। तो चलिए आउटडोर की साइड। तो साथियों, हमने इसके रिमोट में ही बैटरी लगा ली है, ड्रोन में ही बैटरी लगी हुई है रिचार्जेबल। ड्रोन को करते हैं हम ऑन। ये कर लिया इसको ऑन, और रिमोट को करते हैं ऑन। ये देखिए गाइस, इसमें भी लाइट ब्लिंक ब्लिंक हो रही है रेड। अभी हम करते हैं इसको कनेक्ट। ये देखिए गाइस, काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस है ये। ये देखिए गाइस, बाकी गाइस आपको दिखाएंगे आउटडोर में इसको उड़ा के। तो फ्रेंड्स, हम लेके आ गए आउटडोर में अपने ड्रोन को। अब इस ड्रोन को हम फ्लाई करके देखेंगे कि इस ड्रोन की कैपेसिटी कितनी है और ये कैसे उड़ती है और कितनी रेंज है इसकी और हवा में ये अनबैलेंस होती है कि नहीं। तो गाइस, फटाफट से करते हैं इसको स्टार्ट। अभी मैंने ड्रोन को ऑन कर दिया है गाइस, देखिए इसमें लाइट जल रहा है। अभी मैं ड्रोन को रखता हूँ नीचे और रिमोट मैंने कर लिया है ऑन। ओह, बहुत बढ़िया। तो साथियों, इसे अब मैं उड़ाता हूँ, आप भी देखिए कि कितना बैलेंस है ये। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसको टेक ऑफ कर लिया है और ये अब बहुत ही बेहतरीन। गाइस, मैं एक चीज बताऊँ आपको कि इसका जो बैलेंस है लेफ्ट राइट का, काफी अच्छा लगा है मुझे। लेकिन गाइस, ये ज़्यादा ऊपर मैं इसको अगर लेके जाता हूँ
तो ये हवा के साथ इस साइड हवा ज़्यादा चल रही होती है उस साइड ही चली जाती है, काफ़ी हद तक बैलेंस भी होती है गाइस ये, और काफ़ी सही है ये जिस रेंज में मुझे मिला है। और गाइस का रेंज भी काफ़ी अच्छा है, ये अपना कंट्रोल नहीं खोती ऊपर जाने के बाद भी, और काफ़ी स्टेबल तरीके से उड़ लेती है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए हमारा ड्रोन कहाँ पहुँच गया है, बहुत ही बढ़िया उड़ी। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका एक चीज आपको बता दूं कि 360 रोटेट कैसे करती है, आप आगे देख सकते हैं इधर। ये देखिए 360 रोटेट कर रही है।